कुछ भी गलाटी क्या कोई मतलब है? जो भी माचली होंगे वो लिख देंगे कमेंट में। आज तेले डोर मैं ओपन करूंगा। कहाँ चले बता? साथ तो मैं कहीं भी चल लू। ओ दोबारा बोले क्या बोल दिया तूने? जहाँ तू चले तेरे साथ तो कहीं भी चल लू। Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज यार बेबी मैं उठा हूँ। आज हमारी इंगेजमेंट को एक मंथ हो चुका है कम्प्लीट, तो आज हम सोच रहे हैं कुछ स्पेशल करें, घूमने फिरने जाएंगे। तो अभी मैं नहा धो लेता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, फिर मैं सीधा तुम्हें रूपाली के घर मिलूंगा। बस अभी मैं बीच रास्ते में रुक गया ये दिखाने के लिए कि मौसम कितना ज्यादा मस्त हो रहा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, वो भी बहुत जोरों की बारिश हो सकती है। तो अभी बस मैं रूपाली पास पहुंचने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना मूवी देखने जाएं, क्योंकि अभी एंगेजमेंट को एक महीना हुआ है कंप्लीट, तो सही रहेगा, उसको भी अच्छा फील होएगा। सोच रहा हूँ उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल करूँगा, डोर वगैरह ओपन करूँगा, उसको मूवी ले जाऊँगा, स्पेशल फील कराऊंगा। मैं जल्दी पहुँचा जिससे पहले बारिश आ जाए। और वो अपने घर पर है भी नहीं, मैंने उसे कॉल करा, वो शिवानी के घर पर है, तो अभी मुझे उसको वहीं से पिक करना होगा। तो फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है हमने। तो अभी मैं शिवानी और के घर के नीचे आ चुका हूँ, जहाँ पर मुझे रूपाली को पिक करना है। मैंने रूपाली को कॉल कर दिया है, वो आ रही है, जैसी वो आएगी तो फिर हम चलेंगे मूवी देखने। सत्या प्रेम की गाथा ऐसे कुछ, कार्तिक आर्यन की मूवी है, और हीरोइन कौन थी, हीरोइन मैं भूल गया। तो वो वाली मूवी देखने जाएंगे, उसके रिव्यू काफी पॉजिटिव आए। आगे आगे मुझे लगा वो रूपाली आई थी, पर वो रूपाली नहीं थी, कोई और थी, कोई मतलब और लेडी थे वो। फिर अभी रूपाली की, फिर मैंने उसको दोबारा कॉल करी कि मैं तू आए नहीं, फिर उसने कहा हम तो तेरे को बेवकूफ बना रहे थे, उल्लू बना रहे थे, हम तो अपने घर पर है। मैंने कहा अपने घर पर है? तो मैंने कहा अब तो कह रही अपने घर पर आ, तो अब मैं रूपाली वाले एरिया में आ गया, रूपाली घर के नीचे खड़ा हूँ। अब वो यहाँ आ रही है, अब देखते हैं अभी आ रही है कि नहीं आ रही है, बेवकूफी बना रही है अभी भी। पर अभी तो उसने कहा कॉल करके कि बस मैं आ गई 2 मिनट में। फाइनली रूपाली आ गई, आज मैं प्रॉपर डोर वगैरह खोलूंगा, अच्छे से वो करूंगा। रुको आ गई, आज तेले डोर मैं ओपन करूंगा। मैं पहुंच भी गई। कोई नहीं रूपाली, कोई नहीं, चलो। इतना तो आज बनता था और अच्छा लगा मुझे करके। बधाइयां तेरे को भी, बहुत बधाइयां। ओए तुझे यहां पिंपल हुआ, मुझे भी हुआ। तेरी वजह से मुझे हुआ? अरे मुझे तो आज सुबह ही हुआ। कैसी घटिया बातें कर रही है रूपाली, पिंपल हुआ तो फिर क्या हुआ? तुझे क्यों हुआ पिंपल यहाँ पे? मुझे क्या पता क्यों हुआ मेरे को यहाँ पे पिंपल? ओ भाई हैप्पी, क्या बोलते हैं, क्या पिंपल? नहीं हैप्पी पिंपल नहीं, एक मंथ कंप्लीट हो गया एंगेजमेंट को, तो हैप्पी 1 मंथ एंगेजमेंट। अरे तो अब मैं तेरे को कहीं ले जा रहा हूँ, कहाँ चलना है? जहाँ तू चले। कहाँ चलना बता? तो मैं कहीं भी चल लू। ओ दोबारा बोले क्या बोल दिया तूने? जहाँ तू चले तेरे साथ तो कहीं भी चल लू। तो फिर क्यों लेकर आऊं? चॉकलेट और इन सब का शौक खत्म हो गया मुझे। चॉकलेट टॉफी है वो गाना सुना तूने? शौक है कहा, वो कौन सी मूवी थी, माधुरी दीक्षित मैम होती है? कुछ नहीं है। ये कौन सा मोड है उम्र का? है ऐसा कुछ नहीं है। अबे ये गाने की बात कर रहा हूँ, पिंपल क्यों आते जमी? देखो यहाँ पर पिंपल हुआ है मुझे, यहाँ पर मुझे इसको भी हुआ है, यहाँ पर ही पिंपल, इसका ऐसा कहना है। पर ठीक है आप चले रूपाली, मैं सच बताऊँ कहाँ चलना है? मैंने सोचा कि ना एक रोमांटिक मूवी देखेंगे, वो सत्य प्रेम की गाथा, कार्तिक आर्यन और एक और हीरोइन है उसमें, कोई कायरा नहीं, कियारा, हाँ कियारा मैम की, वो दोनों है, तो वाली मूवी देखने चले, मजा आएगा। चल मैं भूल गया ये बोलना, इसने मुझे वहां क्यों बुलाया मुझे? तूने बोला कहाँ पे है, मैंने बोला घर पे हूँ, तो तूने बोला, तूने कुछ ऐसा बोला था, तो इसने कहा मैं शिवानी के घर पर हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं वहां पर, मैंने कहा वहीं से भी कर लेता हूँ, कहता कहती आ जा, तो मैं वहां पहुंचा, वहां पर मैंने इसको कॉल करा और मुझे लगा कोई एक आंटी निकले, लड़की निकली वो झाड़ी के पीछे से, मुझे लगा लड़की निकली, मुझे लगा तू आ गई, और जैसे देखा कोई आंटी थे, तो फिर मैंने इसको कॉल करी, कह रही कि मेरे घर के नीचे आ जा। जब इसको कॉल करती तब मैं उधर ही थी, पर फिर मैं इधर आ गई थी क्योंकि तू इतनी जल्दी आया। तो भाई ये कौन सी गेम खेल रहे हो मेरे साथ? चल यार मूवी छूट जाएगी, मूवी छूट जाएगी, चलो पहले मूवी देखने चलते हैं। मूवी तो काफी अच्छी रोमांटिक है, कैसी लगी? सत्य प्रेम ठीक है, नॉर्मल, मुझे तो अच्छी लगी।
ठीक है ठीक, मतलब शुरू में तो बड़े स्लो होते हैं। हाँ, एंड में ज्यादा अच्छा होगा। मतलब शुरू में थोड़ी स्लो थी, बट अब जब इंटरवल के बाद की मूवी है ना, वो ऑब्वियसली अच्छी होगी। उसमें अब टर्न्स एंड ट्विस्ट आएंगे। जैसे हमारी कथा, इसके डायलॉग सुन लो। नहीं मतलब इंटरवल के बाद की मूवी अच्छी होगी, इंटरवल से पहले थोड़ी सी स्लो चल रही है, बट अब अच्छी होगी। अभी हम मूवी देखकर बाहर आ गए, और मतलब ना मैंने एक रिव्यू देखा था, उसमें ना को वो रिव्यू, उसमें उन्होंने मुझे 15 बार बोला मैंने तुझे सही लग रही है पर लड़की ही गलत है। अरे मैंने रिव्यू देखा था 30 सेकंड में उन्होंने बोला था कि ये पुराने टाइम की बॉलीवुड मूवी टाइप जैसी है, बट उसमें पेरेंट्स गलत होते थे, इसमें लड़की गलत है। तो मेरे मन में वो पिक्चर थी कि लड़की ही गलत है, और एंड तक लड़की गलत निकली नहीं। लड़की गलत नहीं होती, लड़की गलत नहीं होती, बट मूवी की बात कर रहा हूँ मेरे वाली। और मैं मूवी एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि लड़की अच्छी बनती जा रही थी, पर मैं कह रहा था कि रुक जा, अभी गलत होगी, अभी गलत होगी, आखिर में आ गया डायरेक्टेड आए, आखिर में बंदे को बोलता खत्म हो गई है, वो गाना आ रहा था आखिरी में, गाना आ रहा था, तो मैं बंदे से पूछा था, मैं कहा मूवी खत्म होगी या फिर अभी थोड़ी चलेगी, आखिरी में लिखा गया डायरेक्टेड बाय। मैंने कहा यार ओवरऑल मूवी सही थी। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं पार्क में। छोटी बातें भी भाई लगी। कौन सी बात लगी सबको बता दे, इसको एक बात का बुरा लग गया बहुत। क्या है? देख भी नहीं सकता? नहीं देख सकता। चलो मैं ना इसके लिए कुछ पीने के लिए लाता हूँ, उतनी देर से लगी हुई थी कि इसको पीना है पीना है पीना है। आप मना करिए मैं लेकर आ जाता हूँ। तो चलो अभी हम काफी देर से साथ बैठे हुए थे और आज बड़ा मजा आया। टाइम का पता ही नहीं लगता सच में कि टाइम निकल कैसे जाता है। यार एक महीना भी निकल गया सच में। ब्याह भी आने वाला है। तूने बोला इसलिए मैंने बोला, शादी भी आने वाली है। और बात यहाँ से भी थी कि आज भी टाइम कैसे निकल गया, बात करते करते पता ही नहीं लगता यार। एक तो यार दुनिया भर की टेंशन होगी, काम करो ये करो वो करो, दुनिया भर की टेंशन है लाइफ में, पर ठीक है उसमें कुछ पल अगर ऐसा है कि ऐसे निकल जाए तो फिर बढ़िया है। तो फिलहाल मूवी अच्छी थी, मूवी तुम सब देख सकते हो, एवरेज मूवी है, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं देख सकते, अच्छी थी मूवी और ठीक ठाक ही है, कुछ खास नहीं है। पर तू तो खास है। ठीक है फिर, पर तू तो खास है। कोई किसी न किसी के लिए खास होता ही है। पर तू किसके लिए है? मैं घर वालों के लिए। और मैं? तू भी घर वालों के लिए। मजाक रूपाली कितनी जोर की मारा तूने भाई, तेरे से धीरे मारा और तूने मेरे को 5 मारे हैं, अभी एक हुआ, चल छोड़ माफ किया। रूपाली तू इतनी जल्दी माफ करती नहीं है, मन में ग्रजेस लेकर चलती है तू, एक ग्रज होल्डर है तू, एक ग्रज होल्डर। याद रखियो ये 5 मतलब एक मार दिए 4 रह गए, मारूंगी मारे, मैं वही कह रहा हूँ, एक ग्रज होल्डर है तेरे अंदर, रहते है अंदर रहते तेरे। अंकी ऐसे तो ना बोल, तेरे तो कितनी जोर की मारी रूपाली, तू वो बन सकती थी, एक वो नहीं था रिक्लेयर, वो रिक्लेयर नहीं तो था जो यू मारता था रूपाली, इतनी जोर जोर की मार रही है तू। अरे मेरे हाथ पतले हैं थोड़े। हाँ तो और जोर की लग रहे हैं, तू साले चाकू जैसे तिखे तिखे हाथ लेकर चुबा रही है शरीर में। चल ठीक है चल जा। मैं ऐसे बोलती थी लड़कियों को, हम खेलने जाते थे तो मैं ऐसे बोलती थी मैं टैटू बना सकती हूँ, पर आंखें बंद करनी पड़ी, वो पेन बुन देते थे कैसे बनाएगी, मेरा कुछ की जरूरत नहीं है, ऐसे बोलती कुछ कोई नहीं हंसेगा इस जोक पे। तो जोक नहीं था, जोक जोक था ये पिंपल क्यों है तेरे पे, मुझे बता ये पिंपल तेरी बदौलत हुआ है, मेरे दोनों एक दिन हुआ है, क्योंकि तेरे भी हुआ है वो पिंपल, मैंने आम खाए 2-3 दिन लगातार। यार मेरे को भी बड़े पिंपल हो गए आजकल, पता नहीं क्या हुआ, पानी नहीं पी रहा, पानी कम पी पा रहा हूँ इसलिए शायद। चल ठीक है मेरे को जाना पड़ेगा, घर जा, मेरे को मम्मी की कॉल आ गई है और मम्मी ने कहा है तो जाना पड़ेगा, पड़ेगा। चल ठीक है, ओके और फिर से एक बार हैप्पी 1 month एंगेजमेंट। चल ओके बाय बाय, ताली बन मारे हाथ से मेरे दांत दांत निकाले। चल ओके जा यार जा, चल ओके। तुम्हारे में ऐसा होता है मार ताली तेरी नानी गलाटी? क्या तेरी नानी कहा गुवाहाटी की, क्या बोला है तेरी नानी गुवाहाटी की है? तू और मुझे मार ताली, मार ताली तेरी नानी गुवाहाटी, मेरी नानी गुवाहाटी मार ताली, बोल बोल मार ताली, तू बोल मार ताली, तू बोल पहले तू बोल, मैं बताती हूँ फिर तू
तू बोल पहले। अरे अंकित प्लीज ना बोल। मार ताली। क्या क्या कुछ भी गलाटी क्या कोई मतलब है? जो भी माचली होंगे वो लिख देंगे कमेंट में। वैसे मैं इस चीज को मीन नहीं करती हूँ, मजाक में बोल रही हूँ ठीक है। क्या बोल दिया ऐसा? पर बता दूंगी बाद में, हिमाचली होगी वो पहचान जाएंगे। चल तू भी, तू भी मार। तू गलाटना है, तू गलाटी है, मतलब तेरी नानी गलाटी मींस तेरे नानी लड़ाकू। नानी नानी तक ये पहुंचाना पड़ेगा ये व्लॉग। अरे नहीं, ये व्लॉग नानी तक पहुंचाना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं है नानी, तेरे बहुत प्यार है, मैं मिली हूं, ऐसे कुछ नहीं है। अब मक्खन लगा रही है, अब मक्खन लगा रही है। नहीं नहीं, तूने सुनो ना बात। ये अब मक्खन लगा रही है, मक्खन लगा रही है। ये वीडियो नानी तक जाएगा, ये वीडियो नानी तक जाएगा। नानी को बैठा कर टीवी पर दिखाऊंगा। बड़े भाई सुन, एक बड़े और एक छोटे बच्चे वो बंदे को सामने से पहचान लेते हैं कि कौन कैसा है, ठीक है? तो मुझे पहचान गए तो बोलने वाली वीडियो से कुछ नहीं होने वाला। अरे मुझे पहचान। हाँ, जिस प्यार से उन्होंने मुझे गले लगाया था वो मुझे पहचान गए। चल ठीक है, जा यार, चल जा। ओके कोई नहीं, तू है गलाटी। चल ठीक है, ओके बाय। ओके ओके ओके, आराम से जाइए, ठीक है? चल ठीक है, उतरना ही पड़ेगा। बलि तेरे को नहीं, क्यों? मैं कैमरा बंद होगा तब उतरूंगी। क्यों? मेरी मर्जी। साफ बोल, वहां छोड़ कर आना। साफ बोल, वहां छोड़ कर आना। अंधेरे में मुझे दिखता नहीं है। हाँ चिड़िया इधर ना, उल्लू। नहीं उल्लू को तो दिखता है भाई। मैंने इसको ड्रॉप करके आ जाता हूँ वहाँ पर, इसके घर के बाहर पे, वरना ये यहाँ से जाने वाली नहीं है। चल जल्दी।